वेलकम सर्दी, वेलकम विंटर सीजन। आज सुबह सुबह काफ़ी सर्दी हो गई है और लोग बाज़ार में धूप में बैठे हुए हैं और बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा स्टॉल लग चुके हैं। शॉप्स पे विंटर कलेक्शन का माल आ गया है, लोगों ने अपने ऊपर स्वेटर्स पहने हुए हैं, उसके साथ साथ अपर, उसके साथ साथ और लोगों ने कंबल भी निकाल लिए हैं, तो आप लोग भी अपने अपने निकाल लें। तो पंजाब में इस वक्त मौसम ठंडा हो गया है। रात को पाकिस्तान इंडिया का मैच था, जो पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से 10 विकेट से जीता। उसके बाद रात को बीना जेलम में काफ़ी बारिश हुई और जिस वजह से सर्दी का वेलकम हो गया है और बाज़ार में स्टॉल भी लग चुके हैं और काफ़ी लोग नज़र भी आ रहे हैं। वो उन्होंने अपर्स, उसके साथ साथ गर्म शॉल्स, मफलर वगैरह लिए हुए हैं, तो बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया। तो आज की जो मेरी इन्फो है वो है सर्दी के मतलब, तो उसके साथ साथ बाज़ार में चंद जो स्टॉल्स लग चुके हैं तो उसका मैं थोड़ा बहुत व्यू आपको दिखाऊंगा और उसके साथ साथ विंटर सीजन के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विंटर को कोल्डेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर भी कहते हैं और उसके साथ साथ ये ऑटोमन के बाद आता है और स्प्रिंग से पहले हर साल आता है। ज़्यादातर ये नवंबर के स्टार्ट में शुरू होता है और उसके साथ साथ जनवरी के लास्ट या फरवरी में इसका एंड हो जाता है। यूएसए में हर साल जो रोड पे स्नोफॉल होती है यानी कि बर्फबारी होती है, उसमें से हर साल 22 मिलियन टन साल्ट निकाल के काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। स्नो सिटी ऑफ अर्थ वो जापान में है और उसके साथ साथ अमोरियस सिटी का नाम है। यहाँ पर एवरेज हर साल तकरीबन 312 इंच बर्फबारी होती है यानी कि स्नोफॉल होती है, ये तकरीबन 26 फीट तक बनता है। अमेरिका में एक माल है दी माल ऑफ अमेरिका, वहाँ पे हीटिंग का कोई सिस्टम का इंतज़ाम नहीं किया गया क्योंकि उसकी वजह है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आते हैं कि विंटर सीजन में शॉपिंग के लिए और इस वजह से वहाँ पे इतनी हीट हो जाती है, ह्यूमन हीट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत टेम्परेचर अप हो जाता है। कभी कभी विंटर सीजन के दौरान वहाँ पर एयर कंडीशनर भी चलाना पड़ सकता है। यहाँ पे सारी जो हीट है वो जनरेट बाय पीपल, उसके साथ साथ लाइटिंग और स्काई लाइटिंग के जरिए यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दुनिया के टॉप 5 अगर कोल्डेस्ट सिटीज़ की बात की जाए तो इसमें बिल्डिंगा जो रशिया का एक सिटी है, यहाँ पे एवरेज माइनस टेम्परेचर फारेनहाइट में -12 है और यानी कि -24.5 यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर होता है। उसके बाद है हार्बिन सिटी चाइना में है, यहाँ पर भी जो एवरेज जो टेम्परेचर है विंटर सीजन में वो -8 to -12 है यानी कि -22 to -24 सेल्सियस। उसके बाद सिटी है कनाडा का विनपिंग, यहाँ पे जो फारेनहाइट में -5 to -9 फारेनहाइट और जो यानी कि -20 to -22 एवरेज जो विंटर में कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है। उसके बाद एक सिटी है यकूटस्क, रशिया का ये सिटी है और यहाँ की आबादी 282,400 है और यहाँ पे जो माइनस में एवरेज टेम्परेचर विंटर सीरीज का जो है वो एवरेज में रहता है -38 to -41 सेल्सियस और ऑल टाइम यहाँ पे लोएस्ट रिकॉर्डिंग जो टेम्परेचर था वो -83 फारेनहाइट यानी कि -64 सेल्सियस में था और ये 1891 यानी कि 1891 में ये रिकॉर्ड किया गया। बाद एक सिटी है येलो नाइफ, ये कनाडा का सिटी है और यहाँ पर जो टेम्परेचर एवरेज में रहता है वो -26 फारेनहाइट -32 सेल्सियस में और यहाँ पर जो रिकॉर्ड 1947 में 1 फरवरी में एक रिकॉर्ड टेम्परेचर यहाँ पे लोएस्ट किया गया था वो था 16 फारेनहाइट यानी कि -51 सेल्सियस। पाकिस्तान की अगर कोल्डेस्ट प्लेस की बात की जाए, कोल्डेस्ट एरिया की बात की जाए तो ये ग्लेशियर पार्ट्स हैं और गिलगित बल्तिस्तान में है और यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो -20 है। विंटर सीज़न स्कर्दू एक इलाका है, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर -20 सेल्सियस रहता है और उसके बाद है एस्टोरे, यहाँ पर ये भी गिलगित बल्तिस्तान में है, यहाँ पर -16 सेल्सियस रहता है एवरेज टेम्परेचर। उसके बाद कलाम इलाका है, ये सवात में है और यहाँ पे -10 सेल्सियस रहता है। उसके बाद इलाका है पारा चरार, ये वफात में है, यहाँ पे -10 सेल्सियस रहता है। बालन जब्बा पाकिस्तान का बहुत इलाका, ये सवात में है, यहाँ पे -5 सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। उसके
साथ साथ तलात इलाका है बलूचिस्तान में है, जहाँ पर -5 सेल्सियस रहता है। उसके बाद क्वेटा पाकिस्तान का बलूचिस्तान का कैपिटल है और यहाँ पे -3 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और ये पाकिस्तान के जो ठंडे तरीन इलाके हैं, इंसान को अक्सर घरों में रहते हैं और अपने आप को सर्दी में लबास में कवर कर लेते हैं, जानवरों की जो बड़ी खाल ऐसी होती है उनकी जिसकी रहती होती है जो उनको सर्दी से बचाती है। लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं वो कैसे अपने आप को बचाते हैं, तो आज के मैन के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँगा। इंसेक्ट जो हो कितना भी -टेम्परेचर हो उनकी बॉडी के अंदर एक एलिमेंट होता है होता है वो मेरे से जाते हैं आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो जिससे भी इंसेक्ट्स हैं वो मेरे अंदर चले जाते हैं ज़्यादा सीजन में या ऊपर भी होते हैं, तो किसी एलिमेंट्री केमिकल क्रिप्टो प्रोटेक्टर जिसको भी कहते हैं, जिन्होंने ब्लैक होल होता है जिसकी वजह से सर्वाइव करते हैं और ये अपने आप को नहीं होता है और इस वजह से ये अपने आप को बचा सकते हैं। दुनिया का सबसे पहला जो स्नोमैन वो दुनिया में बनाया गया था वो 1380 में बनाया गया था। तो गाइस आज की वीडियो में आपको कैसी लगी, बहुत ही अच्छी लगी।